हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द डीआईवाई वेव्स। तो आज मैं आपके लिए एक डीआईवाई लेके आई हूँ जिसमें मैंने अपने फ़ोन के कवर को एक नया लुक दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक जैसो का लेयर अप्लाई करूँगी। जैसो का लेयर अप्लाई करने से जो भी हम अपने फ़ोन के कवर को बेस कलर देना चाहते हैं वो अच्छे से इन्हेंस होकर आएगा। तो चलिए इसे अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए जैसो का कोट ऑलरेडी अच्छे से अप्लाई हो गया है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये मैंने क्ले लिया है, इस क्ले से मैं एक कैरेक्टर बनाऊंगी। ये क्ले टू पार्ट्स में आता है, रेजिन एंड हार्डनर। इसको 1:1 रेशो में लेना होता है। इसको अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा डो रेडी है। इसमें से थोड़ा पार्ट लेकर मैं एक छोटा सा राउंड का शेप दूंगी। एंड बाकी पार्ट में से भी थोड़ा सा पार्ट लेकर मैं इसको भी राउंड का शेप दूंगी, लेकिन ये राउंड शेप पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अब हम इसके लिए ईयर्स, हैंड्स, लेग्स एंड इसके स्कर्ट बना लेंगे। लेकिन जब भी आप क्ले आर्ट करें तो उससे पहले आप सरफेस एरिया पे थोड़ा सा पाउडर डस्ट कर ले, क्योंकि जो भी हमारा कैरेक्टर है वो अच्छे से वहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिए मैंने ईयर्स बना लिए हैं इसके, ये मैं पेस्ट कर दूंगी। एंड मैंने हैंड्स एंड लेग्स के लिए छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं 4, एंड वो भी मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैंने स्कर्ट के लिए एक शेप ड्रॉ करा है, इसको मैं कट करके अपने कैरेक्टर पे पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए हमारा कैरेक्टर रेडी है, इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो जो हमारा फ़ोन का कवर था जिस पर हमने जैसो का कोट अप्लाई करा था वो ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। अब हम इस पर बेस कलर देंगे। बेस कलर मैंने जो लिया है अपने फ़ोन के कवर को वो पिंक कलर लिया है। आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं, इट्स अप टू यू ओनली। तो देखिए ये फ़ोन कवर भी रेडी हो चुका है पिंक कलर में। हमने कैरेक्टर रेडी किया था वो भी ड्राई हो चुका है, तो इसको भी हम पेंट कर लेते हैं। इसको मैं डार्क पिंक कलर का शेड दे रही हूँ, जो मैंने अपने फ़ोन के कवर को कलर दिया था उससे थोड़ा डार्कर शेड है। आप चाहें तो इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। तो देखिए ये पेंट रेडी है। अब इसके लेग्स को कलर करने के लिए मैं येलो कलर ले रही हूँ। तो देखिए ये भी पेंट हो चुके हैं। अब इसके स्कर्ट को मैं इन्हेंस करने के लिए डार्क पिंक कलर से इसके बॉटम में आउटलाइन करूँगी। एंड इसके ईयर्स को मैं कलर करने के लिए भी सेम पिंक कलर ले रही हूँ, लाइटर शेड में। इसके पिंक कलर करने के बाद मैं इसमें छोटे छोटे डार्क पिंक कलर के डॉट्स अप्लाई करूँगी। तो देखिए हमारा कैरेक्टर रेडी है, अब इसे हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। हमारा जो फ़ोन का कवर था वो ऑलरेडी ड्राई हो चुका है, अब इसमें हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्केच जो मैंने ड्रॉ करा है वो लाइट की वजह से आपको विजिबल नहीं हो रहा है अभी, बट जब मैं पेंट करूँगी तो अच्छे से विजिबल हो जाएगा। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो फाइनली ड्रॉ हो गया है। इसको पेंट करने के लिए मैं एक लाइटर शेड ले रही हूँ, जो कि मेरे फ़ोन के बेस कलर से थोड़ा सा लाइट है। तो देखिए हमारा कैरेक्टर रेडी है, अब मैं इसमें एक रिबन ड्रॉ करूंगी। तो देखिए कैरेक्टर हमारा रेडी है, इसको मैं वही सेम डॉट्स अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने अपने क्ले कैरेक्टर में अप्लाई किया था। अब इसकी आईज, नोज एंड जो भी हमें इसकी आउटलाइन करनी है वो हम कर लेते हैं। तो देखिए कैरेक्टर हमारा रेडी हो चुका है, इसको ड्राई होने के लिए मैंने रख दिया था। ये ड्राई होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें हम अप्लाई करेंगे वार्निश का कोट। वार्निश का कोट जब भी अप्लाई करें तो अपने जिस पे भी आपने जो भी लेयर दिया है पेंट का उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। हमारा कैरेक्टर भी रेडी था, ड्राई हो चुका है, इस पर भी मैं वार्निश का कोट अप्लाई करूँगी। वार्निश का कोट अप्लाई करने से जो भी हमने पेंट किया है वो फॉरएवर रहता है, वो कभी भी हटता नहीं है। तो देखिए इसको भी मैंने अप्लाई कर दिया है, और हम इन दोनों को अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे।
तो देखिए ड्राई हो चुका है। अब मैं फेविक्विक की हेल्प से इस कैरेक्टर को अपने फ़ोन कवर पे ऊपर प्लेस कर दूंगी। अच्छे से पेस्ट करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फेविक्विक और ऐड कर रही हूँ। हमारा फ़ोन कवर रेडी हो चुका है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।